हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ओके दिस इज द चैप्टर ऑफ जोग्राफी दैट इज क्लाइमेट ओके तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लाइमेट क्लाइमेट क्या है ओके तो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है ना ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर से हाफ पार्ट ऑफ इंडिया जो है अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड हाफ पार्ट इज बिलो द टॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ पर अलग अलग तरह के हमें वेदर और क्लाइमेट्स देखने के लिए मिलेंगे तो ये क्या है क्लाइमेट क्या है सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे वॉट इज क्लाइमेट ठीक है क्लाइमेट या फिर वेदर बोथ आर द सेम थिंग क्लाइमेट और वेदर क्या सेम थिंग है नहीं क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग चीजें होती हैं है ना हम कहते हैं ना आज का वेदर तो बहुत हॉट है या बहुत कूल है तो वो आज का वेदर होता है never say कि आज का क्लाइमेट कूल cool है या आज का क्लाइमेट हॉट है हम ये नहीं कहते कभी भी कहते हैं क्या नहीं ना क्लाइमेट नहीं कहते हम कहते हैं वेदर जैसे कि अभी विंटर्स चल रही है लेकिन अगर आज बहुत अच्छी सनशाइन हुई है तो हम कहते हैं इज हॉट डे मींस विंटर में आज का दिन थोड़ा सा अच्छा हॉट है इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ये हॉट वेदर चल रहा है हॉट क्लाइमेट आ गया है आज का वेदर थोड़ा सा हॉट है मीन्स जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है दैट इज क्लाइमेट जो अभी पॉइंट ऑफ टाइम पर है अभी कैसा है दैट इज वेदर तो हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द क्लाइमेट हमारा चैप्टर ही क्लाइमेट है है ना तो क्लाइमेट क्या है तो क्लाइमेट जो है वो किसी भी एरिया की वेदर कंडीशंस है विच इज वेर इट एक जैसी वेदर कंडीशन तो कभी रहती ही नहीं है चेंज होती रहती है लेकिन क्लाइमेट में जो वेदर कंडीशन आएगी वो वेदर कंडीशन वो होगी जो कि एक लॉन्ग एरिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहे ठीक है और उस टाइम पीरियड पर हर साल एवरी ईयर सेम टाइम ऑफ वेदर कंडीशन हो जाए जैसे कि अब हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो विंटर सीजन कब से कब तक होता है इट स्टार्ट नियर अबाउट नवम्बर से शुरू हो जाता है हम तो राजस्थान में रहते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ी सी विंटर कंपेरेटिवली कम होती है ठीक है तो इट स्टार्ट फ्रॉम नवंबर टिल फेब्ररी फेबररी तक अच्छी विंटर होती है फेबररी के बाद ये थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और मार्च में होली आते आते तक लगभग विंटर्स खत्म हो जाती हैं थोड़ा क्लाइमेट नॉर्मल हो जाता है ना ठंडा ना गर्म और फिर हॉट वेदर शुरू हो जाता है, है ना समर सीजन आना शुरू हो जाता है ठीक है तो हर साल इन्हीं दिनों में ऐसा होता है क्यों होता है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना हाउ टू मेक द सीजन अर्थ जो है वो क्या है बीच में हमारे यहां पे सन है ठीक है इस चीज को याद रखना ओके okay? और जो अर्थ है वो इसका रेवोल्यूशन करती है चक्कर लगाती रहती है रिवॉल्व अराउंड द सन जबकि अर्थ जो है एकदम सीधी है क्या नो इट इजिटेड टेरी है डिग्री ईस्ट कह लो ठीक है तो हाफ डिग्री टिल्टेड है तो ये टिल्टेड है यानी कि अर्थ जो है वो ऐसी टेढ़ी है हमारी सीधी नहीं है हम अर्थ पर खड़े हैं हम टेढ़े हैं ड्यू टू द ग्रेविटी भी फील कि हम सीधे हैं ठीक है थीके? तो ये जो अर्थ है ये टिल्टेड है यानी कि इस समय जो सन की रेज आ रही है है ना ये वाला एरिया इज अवे फ्रॉम द सन दिस एरिया इज नियर में कौन सा सीजन हो जाएगा एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ हम हमेशा ऐसे लिख रहे हैं है ना तो यहाँ क्या सीजन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा समर सीजन और यहाँ कौन सा हो जाएगा विंटर क्योंकि ये वाला जो एरिया है नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल सन के सन की तरफ झुका हुआ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन और साउथ पोल जो है वो सन से दूर है ठीक है फिर ये जो अर्थ रिवॉल्व होकर के यहां आ जाएगी है ना? होकर आ गई, अगेन इट इज टेड इतनी ही टिल्टेड है यहां पर भी तो वहां भी सेम ही रहेगी ठीक है तो अब जो है नॉर्थ पोल क्या हो गया सन से सन की रेज नॉर्थ पोल पर डायरेक्ट होगी क्या नहीं सन की रेज नॉर्थ पोल पर डायरेक्ट नहीं होगी अब कहा होगी डायरेक्ट होगी टू द साउथ पोल तो अब साउथ पोल में क्या हो गया समर और नॉर्थ पोल में क्या हो गया विंटर यानी इस समय प्रेजेंटली अर्थ की कुछ ऐसी कंडीशन है यानी नॉर्थ पोल अर्थ सन से अवे है एंड साउथ पोल इज नियर टू द सन है ना और यहाँ पर जो है वो बीच वाला सीजन बन जाते हैं ना सन की रेस ज़्यादा है ना सन की रेस कम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेस का यानी कि जो नॉर्थ पोल में सीजन है हमेशा उसके ऑपोजिट सीजन साउथ पोल में रहेगा अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में विंटर रहेगी अगर नॉर्थ में विंटर है तो साउथ में समर रहेगी यानी प्रेजेंटली सदन हेमोस्फियर में कौन सा सीजन चल रहा है समर सीजन चल रहा है ठीक है तो ये जो कंडीशन है हर साल होती है एवरी ईयर क्योंकि अर्थ जो है अपना एक रेवोल्यूशन कितने दिन में पूरा करती है 365 एंड वन फोर्थ डेज में जो अर्थ है वो अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करती है पता है ये चीजें हमें है ना हम पुराना छोटी क्लास का अपन रिवीजन कर रहे हैं है ना ये चीजें हमें पता हाउ टू मेक सीजन ऑलरेडी यू नो इट मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूं क्योंकि अगर नहीं पता होगा समझने में दिक्कत आएगी है ना तो ये जो है ये क्या हो गया अर्थ का रेवोल्यूशन हो गया ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सीजन्स बनते हैं और ड्यू टू दर्वेचर नेचर ये करवेचर नेचर है अर्थ का अर्थ कर्वली ली हुई है सीधी नहीं है है ना बल्कि यहां से तो थोड़ी सी और भी ज्यादा कर्व है तो मैंने थोड़ी कम बनाई है है ना ज्यादा ही कर्व की हुई है तो इसकी वजह से क्या है अर्थ के कर्वेचर नेचर की वजह से जो सनलाइट है वो पूरी अर्थ पर एक जैसी नहीं पड़ती है ना यहाँ ज्यादा पड़ेगी फिर यहाँ आते आते तक कम हो जाएगी ठीक है तो ये जो है ये क्लाइमेट होने का एक रीजन ये भी है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर काट रही है और सन की लाइट यहाँ कम ज्यादा हो रही है तो यहां वेदर कंडीशन चेंज होती रहती हैं ठीक है लेकिन क्लाइमेट के लिए वेदर कंडीशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक जैसी रहनी जरूरी है है ना फोर मंथ तक समर सीजन है फोर मंथ तक विंटर सीजन है तो हम पहले एक बार क्लाइमेट और वेदर की डेफिनेशन लिख लेते हैं ठीक है फिर आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में ठीक है क्लाइमेट क्या है क्लाइमेट इज अ ठीक है सॉरी रेफर्स टू द सम टोटल क्लाइमेट सीधे ही डेफिनेशन शुरू कर दी क्लाइमेट रेफर्स टू टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरियेशन्स ऑफ ठीक है वेरिएशन्सर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना यह लगभग है मोर देन थर्टी ईयर्स ठीक है उन दिनों में लगभग थर्टी ईयर्स तक क्लाइमेटिक कंडीशन सेम ही रहनी चाहिए ठीक है तो क्लाइमेट क्या है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन सम टोटल ठीक है कंटिन्यूशन में वही चीजें होनी चाहिए एंड वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ओवर ऑफ नहीं आएगा ठीक है वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ठीक है लार्ज एरिया एक बड़ा सारा एरिया होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी एरिया में ही हो रही है ठीक है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितने समय के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना माना गया है मोर देन थर्टी इयर्स थर्टी टू थर्टी फाइव ईयर्स के आसपास सेम वेदर कंडीशन उस एरिया में होनी चाहिए ठीक है तब वो वेदर कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी दट कन्वर्टेड इन टू द क्लाइमेट तो फिर वेदर क्या है ठीक है वेदर जो है इट रेफर्स टू द इट रेफर्स It refers to the state of state of atmosphere over a शॉर्ट पीरियड ऑफ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ठीक है रेफर टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फियर कैसा एटमोसफियर है ठीक है एटमोस्फियर ऑफ अ एरिया ठीक है एटमोसफियर ऑफ एन एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर हम कह सकते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी कैसा वेदर है इस एरिया का ठीक है यहां पर लिख लेना ऑफ एन एरिया है ना यहां मैं भूल गई हूं ओवर अ शॉर्ट पीरियड या ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं कि इस समय कैसा वेदर है अभी अगर रेनफॉल हो गई तो अभी क्या क्लाइमेट रेनी क्लाइमेट हो जाएगा नहीं अभी क्या है अभी का वेदर चेंज हो गया है विंटर तो है ही साथ में रेनफॉल भी हो गई है है इफ टू डे डे इज हॉट तो इसका मतलब यह नहीं है कि हॉट सीजन आ गया है समर वेदर समर क्लाइमेट हो गया है वेदर इज हॉट बट क्लाइमेट क्या चल रहा है क्लाइमेट अभी भी विंटर ही चल रहा है ठीक है तो ये वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जबकि दोनों की ही वेदर कंडीशन जो है कैसी है वेरिड है चेंज होती रहती हैं क्लाइमेट भी हमेशा एक सा नहीं रहता चेंज होता रहता है और वेदर तो कभी भी चेंज हो सकता है दिस पीरियड ऑफ टाइम अभी कैसा है ठीक है अभी कोल्ड है ठीक है भाई विंटर सीजन है तो कोल्ड तो होगा ही है ना समर है रेनी है कौन सा है पल पल में वेदर चेंज हो सकता है अचानक से रेनफॉल हो गई रेनी सीजन नहीं आया है पर रेनफॉल हो गई तो ये चेंज होता रहता है ठीक है जो चेंज होता रहे कभी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो होता है दैट इज वेदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है that is, climate. ये ये में में है, केवल इस area में बारिश हुई है, आसपास के एरिया में बारिश नहीं हुई तो यहां का वेदर रेनी है वहां का वेदर रेनी नहीं होगा ठीक है तो ये जो वेदर और क्लाइमेट है दोनों टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं इन दोनों में ये फ़र्क है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का इसके अलावा इनके जो एलिमेंट्स है जिससे हम मेजर कर सकते हैं वेदर और क्लाइमेट को कि कैसा वेदर है या कैसा क्लाइमेट है दोनों के सेम हैं मेन डिफरेंस किसका आ गया एरिया एंड टाइम पीरियड का ठीक है ये लार्ज एरिया में है ये किसी भी एरिया में हो सकता है लार्ज एरिया में भी और शॉर्ट एरिया में भी ठीक है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है ये लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है अभी फिलहाल का क्या वेदर कंडीशन है इस समय की ठीक है तो ये दोनों का फर्क आपको समझ में आया ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम देखते हैं कि वेदर और कंडीशन किस तरीके से इंडिया में स्प्रेड हो रहे हैं इसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं ओके ठीक है इसको रब कर दूं तो अब ये जो है वेदर और क्लाइमेट दोनों हैं तो अलग अलग लेकिन इनके एलिमेंट्स सेम हैं ठीक है थीके? दोनों के ही होने का रीज़न जो है वो सेम है टेम्परेचर है एल्टीट्यूड्स है डिस्टेंस फ्रॉम द सी है ना विंड्स हैं दोनों के एलिमेंट्स सेम है दोनों के मेजर करने के लिए ठीक है तो ये क्या है द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वेदर और क्लाइमेट दोनों के ही एलिमेंट्स क्या है एलिमेंट्स जो है दैट आर सेम आर सेम जैसे कि दैट इज क्या क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स वेदर या क्लाइमेट को नापने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर कैसा है, है ना कि भाई ये टेम्परेचर सही है या नहीं हाई है लो है ठीक है फिर हम देखते हैं विंड प्रेशर किस तरह की विंड चल रही है किस तरह का विंड प्रेशर है अभी हम इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में है ना इसके अलावा और किससे एल्टीट्यूड ऊंचाई ऊंचाईड ठीक है इसके अलावा और देख सकते हैं हम फॉर्म्स कैसी हैं फॉर्म का भी फर्क पड़ता है ठीक है ये सब चीजें जो है दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट सब चीजों से ही हम वेदर और क्लाइमेट को जान सकते हैं एक्सेट्रा ठीक है तो अब ये जो इंडिया का क्लाइमेट है हम कर तो रहे हैं क्लाइमेट क्लाइमेट इंडिया का क्लाइमेट कैसा है च टाइप ऑफ क्लाइमेट डू वी हैव इन इंडिया आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न केवल इंडिया का बिल्कि एशिया के अंदर साउथ South और साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट लगभग मानसून टाइप है ठीक है कैसा क्लाइमेट है इंडिया का द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ज डिस्क्राइब बाय मानसून टाइप ठीक है मानसून क्या होता है अब क्या है वॉट डू यू मीन बाय मानसून मानसून से हम समझते हैं कि रेनफॉल यही है हमारे लिए मानसून मानसून आ रहा है इसका मतलब रेनफॉल आ रही है तो इंडिया का जो सीजन है मानसून टाइप का है मानसून टाइप का क्यों ये शब्द कहां से आया मानसून मानसून एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है ठीक है जिसका मतलब रेनफॉल ही है ठीक है मानसून लिख लेते हैं मानसून इज एन अरेबिक वर्ड द वर्ड मानसून ड्राइव अरेबिक वर्ड मौसम ठीक है मौसम से लिया गया है विच मीन्स सीजन ठीक है इसका मतलब क्या है अरेबिक वर्ड है ये अरेबिक में इसको बोलते हैं मौसम ठीक है उससे हमने मानसून बना लिया और मौसम हमारा हिंदी वर्ड भी है मौसम मतलब सीजन ठीक है तो ये वर्ड बेसिकली अरब से आया है ये अरब ट्रेडर ने हमें दिया है ठीक है अरब ट्रेडर्स एक्चुअली थ्रू द शिप इंडिया आते थे और जब हमारे रेनफॉल आती है ठीक है किस समय आती है लगभग जून जुलाई के आसपास आती है जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक हमारे यहाँ रेनफॉल शुरू हो जाती है तो जब वो अरब ट्रेडर्स आते थे जून जुलाई में अगर आते थे तो बड़ी इजीली हवाओं के प्रेशर के साथ वो इंडिया के पोर्ट पर आ जाते थे उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी एक्चुअली पहले जो थे शिप किससे चलाते थे मैनुअली चलाए जाते थे वो चप्पू चला करके उसके थ्रू ना इतनी ज़्यादा मशीनरीज और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं थी तो अगर वो जून जुलाई में आ रहे हैं तो इजीली हवा के प्रेशर के साथ वो इंडिया में एंटर कर जाते थे आराम से यहाँ के पोर्ट पे पहुंच जाते थे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि हवा जिधर चल रही है उधर की तरफ ही जाओगी तो हवा भी आपको सपोर्ट कर रही है तो उनका शिप उस तरफ बहने लगता था ठीक है और जाते समय भी यही होता था अगर वो अक्टूबर नवंबर में जा रहे हैं तो बड़े ईजीली इंडिया के पोर्ट से वो निकल जाते थे चले जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ पर रेनफॉल अक्टूबर में खत्म हो जाती है लगभग है ना सितंबर अक्टूबर के एंड तक बिल्कुल खत्म हो जाती है तो उस समय जा रहे हैं तो बड़ी आसानी से चले जाते थे ना हर साल वो ये महसूस करते थे कि हर साल हमें इन्हीं दिनों में आना है और इन्हीं दिनों में वापस चले जाना है तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टू रीच द इंडियन पोर्ट और टू मूव फ्रॉम द इंडियन पोर्ट्स बड़े आसानी से आ जाएंगे तो उन्होंने ही ये वर्ड जो है मौसम या मानसून इंडिया को दिया कि जब हम आ रहे हैं तो विंड हमें इंडिया ला रही है दीस विंड आर नोन एज द मानसून ठीक है तो मानसून वर्ड का जो मीनिंग है जो पर्टिकुलर लिटररी मीनिंग है दैट इज मानसून रेफर To the seasonal seasonal रिवर्सल ऑफ the wind डायरेक्शन ठीक है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन इन अ ठीक है क्या है इसका मीनिंग सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन यानी पर्टिकुलर सीजन में जो है विंड डायरेक्शन मूव हो रहा है उसी समय उन्हीं दिनों में रेनफॉल जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है तो विंड्स जो है वो क्लाउड्स को लेकर आ रही हैं तो वो इंडिया की तरफ मूव हो रही हैं ठीक है थीके? तो ये जो है दैट इज द मीनिंग ऑफ द मॉनसून और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है इट्स अ मॉनसून टाइप ठीक है हमारे यहाँ हर सीजन में रेनफॉल होती है और रेनफॉल वाला सीजन अच्छा खासा बड़ा भी होता है ठीक है अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खाली रेनफॉल ही हो रही है और भी है टेम्परेचर भी डिफरेंट है है ना प्रेसिपिटेशन मॉनसून यानी प्रेसिपिटेशन हम उसको कहते हैं है ना प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग है तो ये जो है इंडिया के अंदर टेम्परेचर हो या प्रेसिपिटेशन हो सभी चीज़ें एक दूसरे से बहुत वैरिड है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री बड़ी कंट्री है और इंडिया का जो लोकेशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है हाफ पार्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड अबोब द टॉपिक ऑफ़ कैंसर और हाफ बिलो द टॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी वजह से क्या है हमारे यहाँ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट होते हैं ठीक है इसके अलावा फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज लैंड लॉक्ड, यानी चारों तरफ से लैंड ही है है ना और जो डाउनवर्ड्स पार्ट है इंडिया का सदन पार्ट वो क्या है इट्स अ कोस्टल एरिया ओशन है तीनों तरफ यानी कि ओशन की, की वजह से होने वाली क्लाइमेटिक चेंजेस भी इंडिया में है और लैंड साइड से होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस भी इंडिया में है अब फिर इंडिया इज कवर्ड विद द हिमालयासो ठीक है तो हिमालया की वजह से होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस भी इंडिया में हो रहे हैं है ना वी हैव अ लॉट्स ऑफ रिवर्स प्लेट्यूज हैं डेजर्ट हैं कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट दोनों हैं आइलैंड्स हैं मीन्स जितने भी तरह के लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं वो सब तरह के लैंडफॉर्म इंडिया में हैं दिस इज द रीज़न कि इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट हर तरह का वेदर भी अवेलेबल है ठीक है तो आज तो हम यही पढ़ते हैं अबाउट द मौसम एंड दिस फिर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो वेरिएशंस है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का वो भी बहुत ज़्यादा है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में ही बहुत वेरिड टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी इंडिया रिसीव कर रहा है बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके टेल देन टेक केयर बाय